क्या नाम क्या आपका? नायक शर्मा। तो बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो इंडिया की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको लेके आप अपने क्या विचार करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और प्रगति कर दिया उन्होंने। आप देखें, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क बहुत अच्छी हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है और मोदी जी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे परिवार में कोई बड़ा आदमी होता है, बड़ा बुजुर्ग होता है और वो सबके भले की सोचता है, वैसे ही मोदी जी परिवार, वो देश को परिवार मानते हैं। तो 2024 में आप देख रहे हैं फिर से नरेंद्र मोदी जी? तो एक बात बताएं, दूसरा तो तब आएगा ना कोई जब वो जगह छोड़ेंगे, जब उनके लायक कोई होगा, कोई है ही नहीं, जब वो जगह छोड़ेंगे। और वो जगह नहीं छोड़ सकते क्योंकि जनता का ही उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, भाई नहीं अभी आप रहें। उनको वोट देने का मतलब है कि जनता चाहती है जब भी आप रहें वहीं आप वो उनको वोट दें, वहीं रहें और अभी और काम करें। उन्होंने काम भी किया है, लोगों को दिखता है देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और योगी जी? भाई योगी जी तो वो क्या है, नहले पे दहला। नहले पे दहला जी, योगी जी और मोदी जी दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, शाह साहब हैं और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक आदमी तो काम नहीं करता है, लेकिन जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने काम दिया है, ब्यूरोक्रेसी को तो लाजवाब है। आप ये देखें कि हम ये सोचते थे कि भाई हिंदुस्तान बदल नहीं सकते, मेरी उम्र भी हो गई है तो मैं और मेरे दोस्त हम सोचते थे यार नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर ने वो दिन दिखाया हमें कि हमने अपने सामने बदलाव किया, हमने अपने सामने। कहाँ हम देखते थे एकदम इंडिया नीचे जा रहा है, कर्जे में और आज इंडिया नहीं, कर्जे की तो बात छोड़े, अब तो खत्म हो गया कर्जा तो। तो क्या है ना, आम आदमी को तो इससे मतलब नहीं है, वो तो देखते हैं यार मेरे मोहल्ले की रोड बनी है कि नहीं, सीवर आया है कि नहीं, पानी आया है कि नहीं, सुरक्षा कैसी है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, तो वो तो उसका इन बातों से मतलब होता है, वो तो आप एक तो अलग लेवल है, वो इकोनॉमिकल लेवल तो अलग है, तो वो आम आदमी महसूस करता है। एक्चुअली क्या, देश की इकोनॉमी सुधरेगी तभी सुधार होगा देश का। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जनरल ट्रेंड में कह रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे कॉमन आदमी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, बजट आता जाता है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, सब बात। तो अंकल जी हैं सहारनपुर से, आप हैं? हाँ जी।